जिले के सनावत थाना क्षेत्र के ग्राम बदूद में कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग फिर मुख्यालय पहुंची है। बुधवार को मुस्लिम समाज के सदर सहित समाज जन कलेक्टर और एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां शिकायती आवेदन सौंप कर बताया कि खसरा नंबर 119 रकबा 0.053 हेक्टेयर की भूमि में कब्रों को तोड़कर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। रोकने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। इस भूमि को वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। समाज जनों ने खसरा नंबर 119, 120, 121 के खसरा नंबर की भूमि कब्रिस्तान के लिए सीमांकित कर बाउंड्री वॉल कराई जाए, जिससे विवाद खत्म हो सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो कब्रिस्तान 120 और 121 से लगी हुई 119 वो पंचायत की जमीन है और उसमें पूर्व में हमारे कब्रिस्तान है, मतलब कब्र दफने हैं। तो हमारी ये मांग है कि वो 119 भी हमारे को, मतलब कि मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए दिए जाए। खसरा नंबर 120 और 121 की जमीन हमारे पास कब्रिस्तान में काम में लेते थे हम लोग। कब्रिस्तान में हमारी मैयत दफन वगैरह करते थे। और जो 119 की जमीन थी वो हमको बुजुर्गों द्वारा मुँह चलके के तौर पर दी गई थी, क्योंकि हमारी 120 और 121 की जमीन में सरकारी रोड, यात्री प्रतीक्षालय और कुछ भाग शासकीय अस्पताल का भी रहा है। इस एवज में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको 119 की जमीन, जिसमें हमारा पूर्व से कब्जा और हमारे मैयतें हैं और हमारी कब्रें हैं, वो हमको दी जाए। क्या नाम है हमारा? जी, मेरा नाम फिरोज खान है। से आया मुस्लिम कमेटी सदर बड़ूत से, कब्रिस्तान निस्बत आया हूँ। बरसों पुरानी कब्रिस्तान है हमारे वहाँ, 200 घर के करीब लोग हैं और 31 डिसमिल मात्र हमारे पास थी और 13 डिसमिल कोई शासकीय बता रहे थे बुजुर्गों के ज़माने से उसमें कब्रें हैं। और आज स्थिति यह है कि एक भी नई कब्रें नहीं खोद सकते, सारी जगहों पर कब्रें हैं। हम गवर्नमेंट से ये करने आए हैं कि हमारी कब्रों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण और कब्जा किया जा रहा है और हमारे को वॉल बाउंड्री बनाने से रोके जा रहा है ना। इसलिए हम कलेक्टर साहब से आग्रह करने आए कि हमारी ज़मीन पर किसी को कब्रों पर अतिक्रमण ना किया जाए, और अगर करने जाते हैं तो विवाद कर रहे हैं, और शासन प्रशासन हमारी मदद करे, हमारी कब्रों की हिफाजत करे। हमारे बुजुर्ग उसमें दफन है, हमने नपती भी करवाई, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब मौजूद थे। तहसीलदार ने खड़े रह के हमारे को नपती कराई, उसमें पंचनामे पे लिखा कि कब्रें हैं, है ना। इसके बाद भी जो जिस व्यक्ति की ज़मीन थी 29-13 डिसमिल, वो हमारे को भी दे चुकी कि भाई हम इस कब्रिस्तान को देते हैं ताकि हमारे से पाप नहीं हो जाए कोई कब्रें। फिर भी इसके बाद भी अनदेखी करके हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए कलेक्टर साहब से हम 6 बार तो आ चुके हैं और अभी फिलहाल आए हैं। क्या मांग क्या करी आपने? मांग ये कर रहे हैं साहब, वो ज़मीन पर अतिक्रमण कब्रों पे किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हटाया जाए और हमारी जो अधूरा है बाउंड्री वॉल वो शासन हमारे को मदद करके कराया जाए। हम कम लोग हैं और हमारे साथ कुछ लोग आज नियमितता कर रहे हैं, डराने चमकाने की बात करते हैं, झगड़े पे आमादा होते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? महबूब खान सदर, अंजुमन कमेटी सदर। आज वापस आ गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।